वजीरगंज प्रखंड के कजरा पंचायत के कई वार्ड सदस्यों ने बताया कि बिना ग्राम सभा लगाए सचिव का चुनाव करा दिया गया। मुखिया राजकुमार शर्मा के द्वारा मनमानी तरीके से वार्ड सचिव का नियुक्ति किया जा रहा है। किसी तरह का ग्राम सभा ना लगाकर मनमानी तरीके से वार्ड सचिव नियुक्त किया जा रहा है, इससे पंचायत में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पंचायत के सदस्यों ने बताया कि आपसी ग्राम सभा लगाकर हम लोग वार्ड सचिव का चुनाव कराना चाहते हैं ताकि निष्पक्ष आपसी सहमति से सचिव का चुनाव हो और सभी कजरा पंचायत में विकास का काम अधूरा को पूरा किया जाए। ग्राम गिरैया पंचायत कजरा और मेरा वार्ड में जो चुनाव हुआ है वार्ड नंबर इंदिरावास के नाम पर ही चुनाव हुआ है। इंदिरावास मैंने कि हम देना है उसको नाम पर सबसे ठेपा मुहर ले करके और मैंने चुनाव कर लिए हैं। प्रलोभन देखे? हाँ, प्रलोभन देखे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सर्वसम्मति से चुनाव हो, मैंने जो जिसको भी चुन दे वो बहुत अच्छा। पंचायत के लोग चुने? हाँ, पंचायत के लोग चुने, गांव के लोग चुने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू मांझी है। कहाँ रहते हैं? गिरैया में रहते हैं। पंचायत? पंचायत कर जरा बार बार चुनाव में हो जाए, वोटिंग हो जाए उसे। अब वोटिंग तो हो ना गया? हो गया तो फिर वो तो गलत हुआ, ग्राम सभा के बीच तो हुआ नहीं। आप क्या चाहते हैं? वोटिंग हो के चुनाव होना चाहिए। किस तरह से वोटिंग हो? जिस तरह से हाथ उठा के हो या मैंने जैसे हो। तो हो गया ना? तो हो कहाँ गया? रजिस्टर पर तो हो गया। रजिस्टर पर हो गया तो वो रजिस्टर पर तो चुपा चोरी हुआ। चुपा चोरी हुआ। आप आपसी सहमति से बनाना चाह रहे हैं जी? क्या नाम आपका? सज्जन मांझी। कहाँ रहते हैं? इटमा। पंचायत बता दीजिए। कजारा पंचायत है ना जी, बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार यादव, ग्राम गिरैया कजारा पंचायत का निवासी हूँ। जो भी सचिव का चुनाव हो जो पूरे स्थल पर होना चाहिए, ये नहीं कि कागज पर साइन करा के नहीं होना चाहिए। वृद्धा पेंशन और इंदिरावास के चलते पहले साइन करा लिया गया है। प्रलोभन देकर के आई सज कुमार शर्मा मुखिया कजारा पंचायत का किया। तो मुखिया जी से नहीं बोले कि इस तरह से मत करवाइए? वो रंगदारी दिखाते हैं। क्या नाम? पहले भी एक पासवान का लड़का गिरैया का बोला है, उसका नाम क्या है, राम शर्मा अति पासवान, तो बोला कि चप्पल से मारेंगे। वो अभी हमारा मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। अच्छा, क्या नाम आपका? अरुण कुमार यादव। मुखिया जी कौन है? सज कुमार शर्मा सेव गाँव का है। तो किस तरह से आप लोग चुनाव कराना चाह रहे हैं? जो भी सचिव का चुनाव हो जो पूरे स्थल पर हो, जनता के बीच में हो, इन्हें की कागज पर साइन करा के न होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप अपना पर्चा दीजिए। ग्राम गिरैया कजारा पंचायत, मेरा नाम है अरुण कुमार यादव, वार्ड नंबर 5 जी। ग्राम गिरैया जी, वार्ड नंबर 5 जी, पंचायत कजारा, थाना वजीरगंज। हम लोग के यहाँ जो वार्ड सचिव का चुनाव होना था वो गलत तरीके से हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। किस तरह से हो रहा है? केवल रजिस्टर घुमा करके दस्तखत की इंदिरा आवास के मिलेगा, वृद्धा पेंशन मिलेगा, उस नाम पर सिग्नेचर करा लिया गया है। आप लोग किस तरह से चाहते हैं चुनाव? चुनाव ग्राम सभा कर करके, आपसे सहमति पंचायत में सब लोग बैठ के जनता चुने। ग्राम सभा होता है वहाँ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। क्या नाम आपका? मनोज प्रसाद यादव। कहाँ रहते हैं? गिरैया वार्ड नंबर 5 पंचायत कजारा। ग्राम गिरैया पंचायत कजारा और मेरा वार्ड में जो चुनाव हुआ है इंदिरावास के नाम पर ही चुनाव हुआ है। इंदिरावास मैंने कि हम देना है उसको नाम पर सबसे ठेपा मुहर ले करके और मैंने चुनाव कर लिए हैं। प्रलोभन देखे? हाँ, प्रलोभन देखे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सर्वसम्मति से चुनाव हो, मैंने जो जिसको भी चुन दे वो बहुत अच्छा है। पंचायत के लोग चुने? हाँ, पंचायत के लोग चुने, गांव के लोग चुने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू मांझी है। कहाँ रहते हैं? गिरैया में रहते हैं। पंचायत? पंचायत कर जरा वार्ड वार्ड की वार्ड संख्या 11 में जो वार्ड सचिव का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा होना था वो ग्राम सभा के द्वारा चुनाव न होकर ये मुखिया और वार्ड सदस्य की मिलीभगत से मात्र रजिस्टर पे चुनाव कर लिया गया है। चुनाव कितने तारीख को हुआ? ये चुनाव 1 महीना पहले हो गया। 1 महीने पहले जी। तो आप क्या चाहते हैं उसमें? उसमें हम यही चाहते हैं कि यह चुनाव ग्राम सभा लग करके और जनता के सहमति के द्वारा जिसे भी चुन लिया जाए उसे स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लेंगे।
ऐसा छुपा रुस्तम न किया जाए। ये मुखिया के मिली भगत से और वार्ड सदस्य की मिली भगत। तो आप दोबारा चुनाव कराना चाह रहे हैं? जी हम दोबारा चुनाव करना चाहते हैं। नियम ग्राम सभा नियमानुसार, नियमानुसार जो भी होगा उसे हम स्वीकार करें। क्या नाम आपका? विनय कुमार। कहाँ रहते हैं? इटमा, ग्राम इटमा में रहते हैं। पंचायत? पंचायत करजरा। 31/1/2022 को हमारे यहाँ पंचायत सचिव का डेट रखाया था। अच्छा, मतलब वार्ड चुनाव के चलते। हाँ, कौन रखा था? एक पंचायत सचिव रखे थे। अच्छा। कि हम वार्ड को आपको सूचना कर दिए हैं कि 29 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है। जी, पंचायत सेवक हम लोग यहाँ मतलब जहाँ होना चाहिए समुदाय भवन में पहुँचे हुए थे। वार्ड सदस्य का मोबाइल स्विच ऑफ था, उसको बाद हम लोग का पता चला अंदर अंदर रजिस्टर पर रज कुमार शर्मा बोल रहा है कि इस पर साइन करो तो गली मिलेगा, नली मिलेगा, प्लस इंदिरा आवास मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। हमारे पास प्रूफ है, देखिए प्रखंड में दिए हैं आवेदन। कौन प्रखंड? बजरगंज प्रखंड। अच्छा, देखिए जिला में दिए हैं। क्या दिया आवेदन? आवेदन दिए हैं कि हम लोग के यहाँ मतदान करा के वोटिंग होना चाहिए चुनाव। अच्छा। जो सचिव का है वो हर घर से एक मत, एक मुखिया हो, एक उसका बाल बच्चे हो, कोई भी हो, आकर एक मत दे और मतलब स्वच्छ से हो। अभी चुनाव नहीं ना हुआ है? नहीं, चुनाव नहीं हुआ है, ये रजिस्टर मेंटेन्स कर रहा है, लेकिन इस पर हम आगे तक बढ़ रहे हैं। जी ग्राम इटमा, मैं चाहता हूँ जो सचिव चुनाव हुआ सर्वसम्मति से होना चाहिए, वो बहुत बेहतर है। चाहे ग्राम जिसका चुने जाए वो सबसे शोभनीय काम है। मैं कहूँगा कि जो रजिस्टर मेंटेन करके काम करता है वो अन्याय, उस अन्याय को नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं उतना जानता नहीं, मैं सीख जाऊंगा कि सचिव चुनाव कैसे होता है, आने वाला समय में हम जानेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ग्राम सभा हो के सचिव चुनाव हो। अभी किस तरह से हुआ है? अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम लोग करीब 200 आदमी की संख्या में हैं, जिसमें 100 आदमी पर तक भी नहीं जानता है कि सचिव चुनाव हुआ है। तो हम लोग का टेंडम ही पता चला, हम लोग इसके खिलाफ बोले भाई कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जो हमारे संविधान नियम है उस चीज़ को लागू होना चाहिए। जी पढ़ते दीजिए। मेरा नाम कृष्णा मांझी, ग्राम इटमा, थाना बजरगंज, पंचायत करजरा, वार्ड संख्या 11। करजरा की वार्ड संख्या 11 में जो वार्ड सचिव का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा होना था, वो ग्राम सभा के द्वारा चुनाव न होकर ये मुखिया और वार्ड सदस्य की मिली भगत से मात्र रजिस्टर पे चुनाव कर लिया गया है। चुनाव कितने तारीख को हुआ? ये चुनाव एक महीना पहले हो गया। एक महीने पहले? जी। तो आप क्या चाहते हैं उसमें? उसमें हम यही चाहते हैं कि यह चुनाव ग्राम सभा लग करके और जनता के सहमति के द्वारा जिसे भी चुन लिया जाए उसे स्वीकार कर लेंगे, ऐसा छुपा रुस्तम न किया जाए। ये मुखिया के मिली भगत से और वार्ड सदस्य की मिली भगत। तो आप दोबारा चुनाव कराना चाह रहे हैं? जी हम दोबारा चुनाव करना चाहते हैं। नियम ग्राम सभा नियमानुसार, नियमानुसार जो भी होगा उसे हम स्वीकार करें। क्या नाम आपका? विनय कुमार। कहाँ रहते हैं? इटमा, ग्राम इटमा में रहते हैं। पंचायत? पंचायत करजरा। जी ग्राम गिरैया। जी वार्ड नंबर 5। जी पंचायत करजरा, थाना बजरगंज। हम लोग यहाँ जो वार्ड सचिव का चुनाव होना था वो गलत तरीके से हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। किस तरह से हो रहा है? केवल रजिस्टर घुमा करके दस्तखत की इंदिरा आवास के मिलेगा, वृद्धा पेंशन मिलेगा, उस नाम पर सिग्नेचर करा लिया गया है। आप लोग किस तरह चाहते हैं चुनाव? चुनाव ग्राम सभा कर करके, आपसी सहमति पंचायत में सब लोग बैठ के। जनता चुने, ग्राम सभा होता है? नहीं, अभी तक नहीं नहीं हुआ। क्या नाम आपका? मनोज प्रसाद यादव। कहाँ रहते हैं? गिरैया, वार्ड नंबर 5। 29/1/2022 को हमारे यहाँ पंचायत सचिव का डेट रखाया था। अच्छा, मतलब वार्ड चुनाव के चलते। हाँ, कौन रखा था? एक पंचायत सचिव रखे थे। अच्छा। कि हम वार्ड को आपको सूचना कर दिए हैं कि 29 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है। जी, पंचायत सेवक हम लोग यहाँ मतलब जहाँ होना चाहिए समुदाय भवन में पहुँचे हुए थे। वार्ड सदस्य का मोबाइल स्विच ऑफ था, उसको बाद हम लोग का पता चला अंदर अंदर रजिस्टर पर रज कुमार शर्मा बोल रहा है कि इस पर साइन करो तो गली मिलेगा, नली मिलेगा, प्लस इंदिरा आवास मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। हमारे पास प्रूफ है, देखिए प्रखंड में दिए हैं आवेदन। कौन प्रखंड? बजरगंज प्रखंड। अच्छा, देखिए जिला में दिए हैं। क्या दिया आवेदन? आवेदन दिए हैं कि हम लोग यहाँ मतदान करा के वोटिंग होना चाहिए चुनाव। अच्छा। सचिव का है वो हर घर से एक मत,
एक मुखिया हो, एक उसका बाल बच्चे हो, कोई भी हो, आकर एक मत दे और मतलब स्वच्छ से हो। अभी चुनाव नहीं ना हुआ है? नहीं, चुनाव नहीं हुआ है, ये रजिस्टर मेंटेनेंस कर रहा है, लेकिन इस पर हम आगे तक बढ़ रहे हैं जी। यदि आपकी बात को प्रखंड अधिकारी नहीं मानते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, पंचायत सचिव से हम वार्तालाप किए, वो कहें कि हम पर राजकुमार मुखिया पूरे दबाव दे रहा है, इसलिए अभी हम उससे भयभीत हैं, हम उससे कमाना खाना है, आप आगे बढ़िए, हम आपको साथ हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीत कुमार। कहाँ रहते हैं? चकसेव, वार्ड नंबर 9, करजरा पंचायत।